नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ गुरुजी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने शरीर के तिलों से जान सकते हैं कि आप कितने धनी हैं, कितने लकी हैं या कितने अनलकी हैं। इनको जानने के लिए दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, आप हमारे चैनल को वीडियो देखते टाइम हेल्थ गुरु जी के आइकन के ऊपर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और खाने पीने के चीज़ों के नुकसान और फ़ायदों के बारे में बिल्कुल फ्री में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समुद शास्त्रों में तिल का आपके अंगों पर होना मतलब बताते हुए शुभ तिलों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें से यह 10 स्थान ऐसे हैं जिनके होने का मतलब होता है कि आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर पर वो सारे तिल कहां पर हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस भाग में तिल होने से आप धनवान हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला, नाभि के ऊपर तिल होना। शास्त्रों में बताया गया है कि पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। ऐसे व्यक्ति भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन अगर तिल नाभि के आसपास हो तो उन व्यक्तियों को धन की कमी कभी नहीं होती। माना जाता है कि जिस व्यक्ति के नाभि पर तिल होता है उसको धन की कमी पूरी ज़िंदगी महसूस नहीं होती। दूसरा, पीठ के ऊपर तिल होना। जिन व्यक्ति के पीठ पर तिल होता है वह लोग रोमांटिक होने के साथ साथ धनवान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और खूब खर्च भी करते हैं। इन्हें कमी कभी भी महसूस नहीं होती। तीसरा, पैर के अंगूठे पर तिल होना। माना जाता है कि जिन लोगों के पैर के अंगूठे के ऊपर तिल होता है वह लोग समाज में प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्ति होते हैं। इन लोगों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। चौथा, तर्जनी उंगली पर तिल होना। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के तर्जनी उंगली पर तिल होता है वह लोग धनवान तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ वह दुश्मनों से परेशान भी बहुत रहते हैं। अर्थात इनसे लोग चिढ़ते भी बहुत हैं क्योंकि ये धनवान बहुत होते हैं। पांचवा, नाभि के नीचे तिल होना। दोस्तों, जिनके नाभि के नीचे तिल होता है वह लोग धनी बहुत होते हैं। वह लोग ऐश से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और आराम से पूरी ज़िंदगी रहते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के भौहों के बीच यानी आँखों के बीच माथे के ऊपर तिल होता है वह बहुत शुभ माना गया है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही जिनके यहाँ तिल होता है उनको धन की कमी पूरी ज़िंदगी नहीं होती। सातवां, नाक के दाएं ओर तिल होना। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाक के दाएं ओर तिल होता है उनको कम मेहनत में ही धन प्राप्त हो जाता है और वो धनी हो जाते हैं। यह बहुत भाग्यशाली होते हैं और इनको कम मेहनत करने पर ही ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आठवां, ठोड़ी पर तिल होना। दोस्तों, जिनके ठोड़ी पर तिल होता है उनको धन की कमी कभी नहीं होती।
उनके पास धन आने का रास्ता सारी उम्र बना रहता है। नौवां, अनामिका उंगली के मध्य में तिल होना। दोस्तों, जिनके अनामिका उंगली के मध्य में तिल होता है उनको भी धन की कमी पूरी जिंदगी नहीं होती है। दसवां, सबसे छोटी उंगली पर तिल होना। दोस्तों, जिनके भी सबसे छोटी उंगली पर तिल होता है उनको बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि जिनके भी यहाँ तिल होता है वह संपत्तिशाली तो होता ही है, लेकिन उनके जीवन में अशांति और परेशानी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज था हमारा ये टॉपिक जिनमें हमने आपको बताया कि आपके शरीर में कहां कहां तिल होने से आपको लाभ और नुकसान, या आप भाग्यशाली और दंपतिशाली हो सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ कल को। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।